जब इतना बड़ा मौका हो, एक नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा हो, तो क्या विपक्ष को भी सदाशयता नहीं दिखाई दिखानी चाहिए? अगर आपको आपत्ति करनी है, अगर आपको विरोध करना है, तो आप किसी और क्षण का विरोध कर सकते थे। आप ऐसे वक्त को एक तरीके से, जिसे कहते हैं संसद तो बाईपार्टीजन होती है, और अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से अगर कुछ गलती हो भी रही है, अगर राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे, तो उसके इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि ये सब चीजें दर्शाती क्या है कि समन्वय की बहुत कमी है, कोई डायलॉग और कम्युनिकेशन है ही नहीं ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में। वो होता क्या है, वो रैलियों में होता है चुनाव की, कोई किसी को काला सांप कह देता है जहरीला, कोई किसी को विष्कन्या कह देती है। अब वो नहीं है जो पहले हम लोग देखा करते थे अखबारों में कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री से मिलने गए, बल्कि प्रधानमंत्री खुद मिलने जाते थे या बुलाते थे संसद में, चाय पी रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर सबको कॉन्फिडेंस भी लेते थे। वो एक जो व्यक्तिवाद के साथ साथ बड़ा पर्सनलाइज हो गई है सारी चीजें। आदमी ये सोचता है कि अगर उसको कोई, अटल जी कहते हैं तो वो तो जवाहरलाल जी को बुरा भला कहते थे लोकसभा में, और शाम को जवाहरलाल जी उनके कंधे पे हाथ रखते थे और कहते थे बड़ा अच्छा भाषण दिया तुमने। तो वो जो एक जो खुलापन था और नग्नामिटी थी वो जाती रही है पूरी व्यवस्था में, दोनों तरफ हुआ है। और लेकिन जिम्मेदारी जो लोग शासन चला रहे हैं उनकी ज्यादा होती है, बड़े भाई छोटे भाई की होती है, और यहाँ तो भाई छोटा भाई तो बहुत ही छोटा है, इतना नहीं है कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन पाता है, इतनी संख्या भी नहीं करते। बहरहाल अब इसमें हमारी समझ से जो हम समझ रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना है उसमें अगर ये ऑपोजिशन पार्टी जाएंगी 28 तारीख के फंक्शन में तो और बिगड़िंग होगी, क्योंकि इतने दिलों में इतनी दूरियां हैं दोनों में, उनकी हदगर्मी है और इनके दिल में बहुत से गुबार भरे हुए हैं। इससे बेहतर है कि वहां जाके नारेबाजी हो और हुल्ला हो, उस मौके को उसकी एक डिग्निटी है वो खतरे में पड़े, इससे अच्छा है नहीं जा रहे लोग, और नहीं जा रहे ना कांग्रेस का तो एक बहुत जो दिल में उनके चोट है कांग्रेस की, और सही है कि जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में जा ही नहीं सकते तो इस मौके पर इन्होंने बनाया है, जिन्होंने राहुल गांधी को बाहर किया है, तो हम वहां जाके क्या करेंगे। वैसे अभी जो भाई साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अगर इनॉग्रेशन होता नहीं तो राष्ट्रपति के एक्सेप्ट कोड तो बोलते नहीं, तो एक लिखी हुई स्पीच ला के खड़े थे कि हमने इसको उद्घाटन किया। मेन जो तकरीर होती वो प्रधानमंत्री की होती, सारा गुणगान इन्हीं के होते हैं, जो वो कहते हैं उसी बता दिया व्यक्ति, लेकिन नहीं उनको शौक यह है कि हम जो है वो जो कुछ हमने किया सब चीजों का पे हम लेंगे, फिर सब लेते थे, पहले भी लेते थे, इंदिरा गांधी भी लेती थी, राजीव गांधी भी लेते थे, तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को इसमें थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। और एक बात हमने कभी आपके लिए किसी और चैनल पर कही थी कि 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उस वक्त क्या होगा किसी को नहीं मालूम, अगर कर्नाटक के रिजल्ट को देखा जाए, इसकी एनालिसिस की जाए तो मुमकिन है कि बीजेपी बहुत बॉर्डर लाइन पे आ जाए, इनको किसी और का सहयोग हो, तब राष्ट्रपति के पास में ये बात होगी कि वो किसको बुलाए सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे मौके पर इतने क्रूशियल जंक्शन पर ये पॉलिटिकली इन एडवाइज मूव है प्रधानमंत्री जी का और बीजेपी का, जो राष्ट्रपति को पूरी दुनिया कह रही है वो कह रहे हैं राष्ट्रपति जी बेइज्जती कर रहे हैं, राष्ट्रपति बेइज्जती क्या, उन्होंने तो बनाया ही है उनको, और ये सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने गैरीलाल सिंह को बनाया था कि नहीं बनाया था, जो कहते थे मैं तो आपके घर का नौकर हूं, लेकिन वो के तिवारी के मुद्दे पर ज्ञानी जी को लगा कि आपको बदतमीजी हो गई, राजीव गांधी को बुला के कहा था कि मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा नौकर हूं आपके घर का, लेकिन इस ऑफिस की तो कोई डिग्निटी है, राष्ट्रपति की सबसे बड़ी पावर यही है, जो उसके पास कोई पावर नहीं है, सबसे बड़ी पावर यह है कि किसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है, राष्ट्रपति कहते हैं गवर्नमेंट बना सकते हैं आप, क्या कहते हैं आप, सबसे बड़ी पावर उसकी यही है। इस वक्त ऐसे मामले पर बीजेपी को राष्ट्रपति को नाराज नहीं करना चाहिए, और ये राष्ट्रपति उतनी खामोश नहीं है, जजेस को भी एड्रेस कर रहे हैं कि आप में क्या कहा था, इतनी बेसिक बातें उठाई थी उन्होंने, हम तीन चार चीजों से डरते हैं, हम तो भाई ट्राइबल है, हम अस्पताल से डरते हैं, थाने से डरते हैं, कोर्ट कचहरी से डरते हैं, और क्या होता है हमारे साथ किस तरह बंद होते हैं, उन्हें दुखड़ा छोड़ा है सबको, ये कोई असर नहीं है कि राष्ट्रपति जो है ये जैसे कहेंगे मैं वैसे करेंगी, मुमकिन है उनको उनको भी इस बात से अच्छा नहीं लगा होगा कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और पार्लियामेंट का तरीका है भाई, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा मिला के ऊपर भेज गए तब तो पार्लियामेंट बनती है, और उसमें आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो ये अच्छा कोई एक संदेश नहीं जाएगा, न देश में न लोगों में, और इसकी
देखिए एक चीज और, हम मोदी जी इज वेरी पब्लिसिटी कॉन्शियस, उनको पब्लिसिटी की बहुत परवाह रहती है, कहीं कोई एडवर्स पब्लिसिटी में पूरी दुनिया में इतना बड़ा भवन आपने बनाया है, ताजमहल बना लिया, लेकिन सारे अखबार दुनिया में लिखेंगे कि मेरी और अपोजिशन पार्टी ने, और मुद्दा क्या होगा, इन्होंने प्रेसिडेंट को इग्नोर किया और उनको रिलीज किया, ये एडवर्स पब्लिसिटी होगी इसकी, देश के अखबार तो सब मैनेज है, वो ही लिखते थे जो प्रश्न होता जाएगा, लेकिन बाहर के अखबार क्या प्रधानमंत्री बाहर के दौरे बहुत करते हैं। तो ये बात, एक बात कहना चाहूंगा, इस वक्त प्रधानमंत्री को जो है अपोजिशन लीडर से बातचीत करनी चाहिए, मगर करे तो जो पुराने मंत्री थे किरण रिजिजू वो तो कोर्ट से ही लड़ रहे थे, पहले ऐसे लीडर थे, मिनिस्टर जैसे होते थे पार्लियामेंट्री अफेयर के, तो फोन उठा के बात करते थे भाई सबसे, बिल्कुल भाईचारा, आज के मंत्री है ही नहीं इनके पास आकर जो ऑपोजिशन में बैठ के बात कर सके, सुषमा स्वराज है नहीं, अरुण जेटली है नहीं, अफसरों को बना रखा है, वो क्या बेचारे जानते हैं उनका बैकग्राउंड नहीं। जी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।